अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। लगता है घर में कोई नहीं है, सब महंत जी के आश्रम में गए हैं। लेकिन आई एम श्योर कि सुमन यही कहीं है। सामने आओ सुमन। सुमन मुझे पता है कि तुम यही हो, इसलिए फौरन मेरे सामने आ जाओ। सुमन कहाँ हो? सामने आओ मेरे। सुमन, सुमन कहाँ छुपी हो? बाहर आओ। You know what? जो लेटर तुम्हारे अंशुमन जी के लिए छोड़कर आई थी वो मेरे हाथ लग गया है। क्या लिखा था तुमने उसमें? तुम मेरा हिसाब किताब करोगी? Well, आज मैंने सोच लिया है कि तुम्हारा अकाउंट क्लोज ही कर दूंगी। बहुत हो गया तुम्हारा, चलो बाहर आओ जल्दी से। क्या नाटक लगा रखा है ये? सुमन, शैंपेन की बोतल, शैंपेन, हरकतें नहीं छोड़ोगी अपनी? मेरे रूम से शैंपेन निकालकर यहां रख दी। अनफॉर्चुनेटली यहां देखने वाला कोई भी नहीं है, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। वैसे थोड़ी सी जरूरत मुझे है। सुमन आओ यार सामने, क्या कर रही हो? सुमन सामने आ रही हो या नहीं? हमें भी कुछ साबित नहीं करना है तानिया जी, हम भी यही चाहते हैं कि आपका और हमारा अकाउंट आज और अभी क्लोज हो जाए। ये लुका छुपी ना बच्चों का खेल है और हमें इस लुका छुपी में अब मजा नहीं आ रहा। ब्रेव गर्ल, आज तुम्हारा अकाउंट क्लोज होगा, मेरा नहीं। तानिया जी, ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है ना, हार का कारण बन जाता है। हम चाहते तो दो मिनट में आपके खेल का पर्दाफाश कर देते। आखिरकार ये हमारा परिवार है, इस परिवार का हम पर विश्वास है। लेकिन हमने सोचा कि पहले आके आपसे बात कर लेते हैं। क्या कहा तुमने? तुम्हारा परिवार, तुम पर विश्वास। What about मनोरमा आंटी? मेरी मॉम ने एक मैजिकल क्या मारी उनके कान में कि पूरे परिवार के सामने मेरा अंशुमन का प्रपोजल रख दिया उन्होंने। और वो तुम्हारी सिर भी माँ, उनके सामने दो आंसू क्या बहा दिए? उन्होंने तो मुझे अपनी बेटी बना के इस घर में रख लिया। अरे नहीं बनना बेटी, बहू बनना था यार। और है तो उनकी दो दो बेटियाँ, उन्हें संभाल लेना, मुझे मेरी माँ काफी है। और सबसे इम्पोर्टेंट अंशुमन, प्यार करती हूँ उससे नहीं। क्या कुछ नहीं किया उसके लिए मैंने, अपनी इज्जत दांव पे लगा दी, उसे नशे की गोली देके रात को। नशे में उसने मेरे साथ रात गुजारी ताकि वो मुझ पे विश्वास करके मेरे साथ शादी कर ले। पर नहीं, सुमन 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 की माला जपे जा रहा है। तो आज ये सुमन का किस्सा मैं खत्म ही कर दूंगी। तानिया जी, हम सब कुछ साबित करेंगे, सब कुछ। हमारा और अंशुमन जी का गलत वीडियो किसने बनाया, उसे उस फैमिली ग्रुप में किसने भेजा, हमें मारने की प्लानिंग किसकी थी, हम सब साबित करेंगे आज।
चलो मान लिया यार, सब कुछ मैंने किया है, लेकिन अभी एक और चीज करनी बाकी है। तुम्हारा चैप्टर क्लोज करना बाकी है। जब तुम जिंदा ही नहीं बचोगी तो कुछ भी साबित कैसे करूं? इसीलिए आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। अंशुमान जी, सुमन जी को होश आ गया है, वो आपको नहीं ढूंढ रही। अंशुमन जी, आपने ये माला गुंथा है? इस माला को कैसे नहीं गुंथा? इसके एक एक दाने का कर्ज है मेरी जिंदगी पर, इसी ने तो सही राह दिखाई। एक मिनट के लिए लगा था कि जस मैंने तुम्हें खो दी। नहीं अंशुमन जी, हमारी बात अधूरी रह गई थी, उस बात को पूरा किए बिना कैसे चले जाते? सुमन, क्या तुम्हें याद है किसने तुम्हें किडनैप किया था? कोई क्लू, कुछ भी याद करने की कोशिश करो, अगर कुछ याद आ रहा है तो। अंशुमन जी, ठीक से याद नहीं है, पर हाँ धुंधला धुंधला याद आ रहा है कि एक लड़की थी उन गुंडों के साथ, और उनकी आवाज ताने की हमें तान्या जी जैसे लग रही थी। अच्छा किया तान्या, जो अपना असली चेहरा तुमने खुद सबको दिखा दिया। अब तुम्हारी सच्चाई सबके सामने है। तुम्हारा चैप्टर क्लोज करना बाकी है। जब तुम जिंदा ही नहीं बचोगी तो कुछ भी साबित कैसे करूंगी? इसीलिए आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। सुमन बेटा, अपनी जान की परवाह किए बगैर राय बहादुर खानदान की शान को बचाया है। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। नहीं दादाजी, ये हमारा घर है, हमारा परिवार है, और हम अपने परिवार के साथ कुछ कैसे गलत होने दे देते? ये हमारा कर्तव्य है दादाजी, और ये सब हम अकेले नहीं कर पाते दादाजी, इसमें अंशुमन जी का बहुत बड़ा हाथ है। यहाँ तक कि ये प्लानिंग भी अंशुमन जी की थी। आज तुमने इस घर के लिए बहुत बड़ा काम किया है बेटा, लेकिन इस बात का श्रेय अंशुमन को देकर तुम अपनी अच्छाई को भी कम नहीं कर सकते बेटा। सुमन, आज इस सुमन ने अपने खुशबू से हमारे पूरे घर को महका दिया है, हमारा मन मोह लिया है। इस
घर का मान बन गई हो बेटा तुम, इस घर का मान बढ़ाया तुम। तुम जो की हो ना, उसके तुमको इससे भी ज्यादा जबरदस्त सजा मिलना चाहिए, और तुमसे भी ज्यादा ना तुम्हारी उस माँ को, जो एक अमानत नहीं दूसरे का घर लूटने के लिए तुमको पड़ा की है। जी चाहता है उसको तो हम बड़की बहू, अपना गुस्सा और अपनी भावना इस जैसी लड़की पर बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। इस जैसी लड़की से निपटने का एक बहुत ही सहज और सरल तरीका है हमारे पास। अंशुमन, पुलिस को बुलाओ अभी इसी वक्त। रुकिए अंशुमन जी, दादाजी आपके आदेश को रोकने की मंशा नहीं है हमारी, लेकिन हमें ऐसा लगता है पुलिस को इन सब में शामिल करना सही नहीं होगा। आप ही कहते हैं ना, जिनकी इज्जत होती है बदनामी भी उनकी ही होती है, और फिर अगर ये सच सबके सामने बाहर आ गया तो उंगलियां तो हमारे परिवार पर ही उठेंगी ना। बाऊजी, सुमन सही कह रही है, अब इसकी वजह से हमारे घर पे उंगलियां नहीं उठनी चाहिए। लेकिन इसका असली चेहरा देखने के बाद हम इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, अब तो कानून ही इसे इसकी अकल ठिकाने लाएगा। बड़ी माँ, आप ही कहती है ना, सफेद कपड़े पर दाग लगने का डर भी सबसे ज्यादा होता है, और फिर हमारा ये साफ सुथरा घर कानून की सजा इस पर दाग लगा जाएगी। तो अभी के अभी इसको इस घर से निकाल के बाहर फेंको, इस गंदगी को जो हमारे इस पवित्र घर को गंदा बनाने आई है यहाँ पर। आपकी बात बिल्कुल सही है दीदी, लेकिन इस समय किसी लड़की को बेघर करना सही नहीं होगा। ये जैसी भी है एक लड़की है, एक लड़की को रात बिरात बेघर करना हमारे खानदान को शोभा नहीं देता दीदी। लेकिन इसकी सच्चाई जानने के बाद हम इसको एक पल के लिए भी अपने घर के पनाह में बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। बड़ी माँ, इस चीज का भी इंतजाम अंशुमन जी ने पहले से ही कर दिया है, यही शहर में पास में एक होटल है, तानिया जी जब तक चाहे वहाँ पे रह सकती हैं। बाहर ड्राइवर भैया खड़े हैं, वो उन्हें वहाँ तक छोड़ देंगे। इसी पैसे की मंशा से तुमने घर की इस दहलीज को पार किया था ना, ये इतना है कि कुछ दिन तुम्हारे और तुम्हारी माँ का ख्याल रख लेगा। एक बात याद रखना, ये कुछ ही दिन तुम्हारा ख्याल रख पाएगा, लेकिन जो जीवन के रिश्ते होते हैं वो जीवन भर ख्याल रखते हैं। एक एहसान था तुम्हारा हम पर, तुमने हमारे बेटे नंदन को अस्पताल पहुंचाया था, लेकिन तुम्हें पुलिस थाने ना भेजकर ये एहसान भी हमने चुपचाप कर दिया। तुम्हारे मन में बहुत ख्याल उठ रहे होंगे ना, लेकिन विनती करती हूं आज के बाद हमारे परिवार के सामने कभी मत आना, ऐसी कोई नौबत ना आए कि तुम हमारे और हमारे परिवार के रास्ते में फिर से आ जाओ। हमसे, हमारे घर से, हमारे बच्चों से दूर रहना, खासकर हमारे अंशुमन और हमारी सुमन से। Thank you.
है छोटी माँ, ये तो नाइंसाफी हुई ना। गलत लड़की को घर से निकालने का पूरा परिवार का फैसला था और मदद मैंने और नंदिनी ने भी मिलके किया था, और आप सिर्फ अंशुमन भैया और सुमन को ही गले मिल रही है, हमसे नहीं। अरे आरती बेटा, हम है ना सबको एक साथ गले लगाने के लिए। आज पूरा परिवार एक साथ है और एक साथ खुश है। आओ छटके, आज से 3 दिन तक हमारे लिए खाना मत बनाना। नीरू और उसकी बेटी पे विश्वास किए हम, इस पाप का भागीदार बने हम, प्रायश्चित तो करना पड़ेगा ना हमको। नहीं दीदी, दीदी गलती सिर्फ आपकी नहीं है, हम सब कहीं ना कहीं भागीदार हैं, और जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ है दीदी। अब अच्छे समय की शुरुआत होगी, लेकिन अनजाने में इस गलती का सबसे बड़ा भागीदार तो हम ही है ना, तो हमको पश्चाताप तो करना ही है। नहीं, ये सब समय का खेल है, और कल का दिन तो बहुत शुभ है। कल आपके बड़के बहुआ का जन्मदिन है। सिर्फ जन्मदिन नहीं है दीदी, उसके नए जन्म की शुरुआत है, और कल शिव चतुर्थी भी है, तो हम मंदिर में महारुद्राभिषेक करवाएंगे ताकि हमारे बच्चों की जिंदगी पर किसी बुरी बला का काला साया ना पड़े। अंशुमन और सुमन की जिंदगी से सारी परेशानियां दूर हो जाए। अंशुमन जी, अंशुमन भैया, माँ ये क्या तरीका है बर्थडे विश करने का? आप लोगों ने तो मेरी जान ही निकाल दी। हैप्पी बर्थडे। ये प्लानिंग जरूर तुम दोनों की होगी। किधर आओ। नहीं नहीं, प्लानिंग सुमन की थी, साथ हम सबका था। हैप्पी बर्थडे अंशुमन जी। थैंक्स। चलिए जल्दी केक कट कीजिए। हैप्पी बर्थडे डियर अंशुमन। बेटा ये केक सबसे पहले उसको खिलाओ जिसने इस घर के माहौल को और तुम्हारे जन्मदिन को खुशहाल बनाया है। एक सेकेंड। दादाजी आपकी बारी तो खत्म। क्यों? क्योंकि मैं भूल गया था कि आपको डायबिटीज है और आप तो एक एक खा ही नहीं सकते। सॉरी।
नहीं भैया, ये केक दादाजी के लिए एकदम परफेक्ट है, क्योंकि ग्लूटेन फ्री, शुगर फ्री, डेयरी फ्री, यानी कि शुद्ध शाकाहारी केक है। इसे सुमन ने बनाया, इसे सब खा सकते हैं। बड़ी माँ आप भी। हमारे सारे बच्चे खुश हैं, समझो हमने खा लिया। अभी केकवा को काटो और उसको खाओ जल्दी जल्दी और जाके सो जाओ। सुबह सुबह सर से स्नान करना है, बाल धोना है, फिर घर से निकलना है मंदिर के लिए। देख लीजिएगा बड़की समधन जी, ये आज का पूजा ना सिर्फ अंशुमन बाबू के लिए नहीं हो रहा है, सुमन के लिए भी हो रहा है। सुनी नहीं थी छोटकी समधन जी का बोली थी कि खतरा बला टालने के लिए पूजा हो रहा है। अब सारा खतरा इस घर में ना सुमन पे ही आता है। भावुकता में कहीं छोटकी समधन विधि विधान न भूल जाए। थैंक यू सुमन। थैंक यू किस बात के लिए अंशुमन जी? हर बात के लिए। तुमने मेरे और मेरे परिवार के लिए इतना कुछ किया है, आज माँ ने ये पूजा मेरे लिए रखी, लेकिन अगर इस पूजा में तुम भी होगी तो इस पूजा का महत्व मेरे लिए और बढ़ जाएगा।